गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटती हुई हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है और यहां कोई भी आता जाता नहीं है। हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं तो कभी कोई अनदेखी शक्ति लोगों को अपनी ओर खींचती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि वे इस हवेली के पास भी ना जाएं। लेकिन इस चेतावनी ने तीन दोस्तों इमदादुर, इमरुल और इलियास के मन में जिज्ञासा और रोमांच पैदा कर दिया। लोगों की बातें सुनकर मुझे लगता है कि हमें उस हवेली में जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल, मुझे तो ऐसे खतरों का सामना करना अच्छा लगता है। अगर भूत भी होंगे तो हम उन्हें भी देख लेंगे। मुझे इस सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगा। रात का समय चुना गया क्योंकि लोग कहते थे कि हवेली में असली डरावनी घटनाएं रात के अंधेरे में ही होती हैं। तीनों दोस्तों ने अपने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक रस्सी रख ली ताकि जरूरत पड़ने पर वे इसका इस्तेमाल कर सके। तो इस कोशिश था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वे चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। तीनों दोस्तों ने डर को नकारते हुए आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो उसकी टूटी फूटी हालत देखकर उनके मन में डर का हल्का सा आभास हुआ। हवेली की खिड़कियों से अंधेरे का एक घना पर्दा लटक रहा था, मानो अंदर कोई रहस्य छिपा हो। कोई भूत? यहां तक आ ही गए हैं तो चलो अंदर चलते हैं। वे तीनों धड़कते दिल के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसे खोलने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंदर दाखिल होते ही उनकी टॉर्च की रोशनी में हवेली की हालत और भी भयानक लगने लगी। चारों ओर धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे और उनकी आंखें तीनों दोस्तों को घूरती सी महसूस हो रही थी। यहाँ तो सच में बहुत डरावना माहौल है। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद हमें वापस जाना चाहिए। अरे यार, हम यहाँ तक आ गए हैं तो अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। तीनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थी, मानो वे सदियों पुरानी हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला हुआ है। इमदादुर ने उस दरवाजे को धक्का देकर पूरी तरह से खोल दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी अलमारी और एक टूटी हुई कुर्सी दिखाई दे रही थी। यहाँ तो कुछ खास नहीं है, चलो अगला कमरा देखते हैं। वे अगले कमरे की ओर बढ़े। यह कमरा पहले वाले कमरे से भी ज्यादा अंधेरा और डरावना था। अचानक इमरुल की टॉर्च बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता ये क्यों बंद हो गई। शायद बैटरी खत्म हो गई है, मेरी टॉर्च का इस्तेमाल करो। जैसे ही इमरुल ने इमदादुर की टॉर्च ली, दरवाजे के पास से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे सच में यहाँ कुछ गलत लग रहा है, हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, शायद ये हवेली सच में भूतिया है। वे तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। अब उनका डर और बढ़ गया था। तीनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये क्या हो रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अचानक
कमरे में चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई खुसर पुसर कर रहा हो। कौन है, हमें यहां से जाने दो। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उनकी टॉर्चें एक एक करके बंद होती चली गईं और अब कमरे में केवल घना अंधेरा था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चेहरे पर पड़ा। अब तीनों को पूरा यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ न कुछ गलत जरूर है। हमें किसी भी हालत में यहां से बाहर निकलना होगा। शायद खिड़की से कूदकर हम बाहर निकल सकते हैं। वे खिड़की की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की के पास पहुंचने की कोशिश की, खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक तेज झोंका आया जिससे उनकी टॉर्चें वापस जल उठी। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर दौड़ लगाई। वे गिरते पड़ते हवेली से बाहर निकले और जंगल की ओर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। वे बिना पीछे मुड़े तेजी से गांव की ओर भागते रहे। गांव पहुंचने के बाद वे तीनों चुपचाप बैठे रहे। हवेली का अनुभव उनके मन में गहरा प्रभाव छोड़ चुका था। उन्होंने आपस में किसी से भी अपने अनुभव साझा नहीं किए। वे समझ गए थे कि हवेली में जाने का उनका साहस कुछ और ही था। अब वे बस यही चाहते थे कि इस घटना को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकें और अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी सकें। हवेली की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया अब उनके लिए एक बीती हुई याद बन गई थी और उन्होंने सोचा कि इस कहानी को दूसरों से छुपाना ही बेहतर होगा।